सो डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट आपके पास ट्रेमर्स के साथ आता है कि जी मेरे हाथ कांपते हैं तो आपको उसका एग्जामिनेशन कंप्लीटली कैसे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ वाइप अप्रोच आपने हैंड वॉश करने हैं इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को देन यू हैव टू टेल द पेशेंट कि आप एग्जामिनेशन करेंगे और उस चीज़ की परमिशन लेनी है एंड देन एक्सपोज द पार्ट्स यू पार्ट ग एग्जामिन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोजीडिंग फॉर द एग्जामिनेशन लेस टॉक अबाउट द डी क्या क्या कारण हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्किसोनिज्म पार्किंसोनिज्म की वजह से ट्रेमर्स हो सकते हैं सैरीबेलर डिजीज की वजह से हो सकते हैं हाइपर की वजह से हो सकते हैं असेंशियल ट्रेमर्स हो सकते हैं एल्कोहल विड्रोल की वजह से हो सकते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ डी डीज बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट जस्ट लुक एट द पेशेंट वट इज डूइंग क्योंकि अगर पेशेंट स्टूप पोस्चर में है मास्क लाइक फेस है कोई एक्सप्रेशन नहीं है डिक्रीज ब्लिंकिंग है तो इट्स अ फीचर ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज़ अगर वही पेशेंट स्वेटी है एंक्शियस है तो उसको हम हाइपोथरेडिज़म के फीचर्स में वो करेंगे हाँ अगर वही पेशेंट आ, स्वेटी है मे बी हेलूसिनेशन हैं और जॉन्डिस्ड है तो वो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर या सी की कैटेगरी में चला जाएगा और वही ट्रिटूबेशंस हैं तो टिट्यूबेशंस आर लाइक हेड मोमेंट्स तो ये असेंशियल ट्रमर्स में भी मिलती हैं ठीक है तो जनरल अपेयर होगी देन यू आ, गो फॉर स्पीच स्पीच में क्या है कि जो सेरिपेलर डिजीज है उसमें स्टेकेटो स्पीच मिलती है जैसे स्कैनिंग स्पीच अगर आप उसको बोलोगे कि लेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलेगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ही स्कैनिंग द स्पीच तो स्कैनिंग स्पीच होगी जो अगर उसका स्पीच है लो टोन है ही इज़ टॉकिंग रियली स्लोली तो देट्स एन फीचर ऑफ पार्किंसोनिज्म डिजीज देन नेक्स्ट मूव टू गेट गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट बिकॉज अगर कोई पार्किंसोनिज्म का पेशेंट है उसमें स्टू पोस्चर स्लो स्लो गेट होएगा शफलिंग गेट एंड वही अगर पेशेंट सेरिबेलर डिजीज़ का है तो उसमें ड्रंकन गेट होगा शराबी की तरह पेशेंट चल रहेगा एंड uh, एल्कोहल विड्रोल में भी यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द टेंडम गेट कि एक के बाद एक पैर रख के चल के दिखाओ तो वो भी इसमें इम्पेयर्ड uh, होगा इन सेरिबेलर डिजीज एंड एल्कोहल यूज डिसऑर्डर में अब उसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में सीधा ट्रेमर्स पे जाने की बजाय यू स्टार्ट विद द आर्म यू चेक फॉर योन हाइपोटोनिया है देन इट्स एन फीचर ऑफ सेरीबेलर डिजीज और अगर हाइपरटोनिया है कॉकविल रिजिडिटी है दैट्स इन फीचर ऑफ पार्किनसोनिजम और टोन के बाद आप रिफ्लेक्सेस चेक करो एक पेंडुलर रिफ्लेक्स हैं अगर एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस है तो हाइपर का फीचर है यू चेक रिफ्लेक्सेस एंड आफ्टर दैट यू गो टू द हैंड एग्जामिनेशन अब हाथ में भी इफ द हैंड्स आर स्वेटी रेड रिद मेटर्स इट कैन बी ए फीचर ऑफ हाइपर इफ देयर आर डू ट्रेंड कंट्रेक्चर्स एंड जोडेस इज देयर एंड क्लबिंग इज देयर देन कैन बी फीचर ऑफ सी एल डी और एल्कोहल यूज डिस ऑर्डर अब ट्रेमर्स देखने के लिए की आज किम टू शो इज हैंड्स और जब उसको हाथ आगे करेगा तो अगर तो ट्रेमर हैं तो ठीक है नहीं है तो वी कैन आस किम टू क्लोज द आईज एंड काउंट बैकवर्ड फ्राम ट्वेंटी टू वन तो ट्वेंटी नाइनटीन एटीन ऐसे करके जब वो काउंट करेगा तो ही कैन शो द ट्रेमर्स तो अब ट्रेमर्स आ गए हैं तो उसको देखो किस टाइप के ट्रेमर्स हैं फाइन है या कोर्स है फाइन ट्रैमर्स कैसे पता लगेंगे हाथ के ऊपर एक पेपर रखना है और पेपर की जब आपकी मूवमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आर अगर वो वैसे ही विजिबल है लाइक दिस दैन दिज आर कोर्स ट्रैमर्स और एक होते हैं फ्लैपिंग ट्रैमर्स दैट आर सीन इन द के पेशेंट्स ऑफ सेप्सिस देश एंसेफ्लोपैथी सीओपीडी में सीओ टू नार्कोसिस में यूरेमिक्लोपैथी तो आज द पेशेंट टू स्ट्रेच हिज हैंड्स एंड शो द पाम्स एंड इफ ही इज नॉट एबल टू मेंटेन द पोस्चर एंड हिज हैंड्स आर गोइंग लाइक दिस तो ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स हैं सेप्सिस एंड सेफ्लोपैथीज वगैरह भी ये मिलेंगे आफ्टर ट्रेमर्स यू कैन गो फॉर सम फंक्शनल टेस्ट एज वेल तो फंक्शनल टेस्ट क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इज आज द पेशेंट टू प्ले एन इमेजिनरी पियानो इफ इज स्लो एट दीज मोमेंट्स देन इट्स एन फीचर ऑफ पार्कसोनिजम डिजीज आज केम टू राइट ऑन ए पेपर अगर वो लिखते लिखते छोटा छोटा लिख रहा है तो इट्स माइक्रोग्राफिया फीचर ऑफ पार्क डिजीज एंड आस हिम टू डू लाइक दिस ये है ट्विटलिंग टेस्ट बोलते हैं इसको अगर ही इज़ नॉट एबल टू डू दिस या कोई स्लोनेस है दैट्स ऑल्सो एन फीचर ऑफ पार्किसोनिजम डिजीज़ ओके अदर फीचर्स अदर टेस्ट यू कैन डू इज डिस्डाइडोकनीज या फिंगर नोस टेस्ट ये हम सरिवेलर डिजीज के साथ पढ़ेंगे सो आफ्टर दैट यू चेक हिज थायरॉय Uh, examination and uh, abdominal examination to rule out CLD and complete the examination of